600 रुपया में पाल दे, सोच लीजिए। साढ़े छह सौ रुपए में इनको नया पायल दे रहे हैं। वाओ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम कहे ना कि देखिए टाइम लगेगा लेकिन अच्छे हर घुंघरू लगवा दिए, देखिए कोई भी अलग नहीं लगेगा। आपको ये देख रहे हैं, ये तो एकदम लग रहा है कि नया हो गया। और इधर का ये देखिए, ये भी बेच रही थी मैडम, ये 400 का घुंघरू लगा करके यही पर बेचते थे, 5000 का पहला। अरे तो काला हो गया था, अच्छा नहीं लग रहा था। काम करते ही नहीं है कि काला हो गया था पहले, साढ़े 600 का वो जगह था ना, मान लीजिए फिर भद्दा लगता है, इसलिए नहीं लगवाए। 400 बोले थे, 650 मांगने लगे, बोले थे 400 लेंगे। ये सब काम यहाँ नहीं होता है मैडम, तभी तो बोले थे 650 रुपए। अरे नहीं, हम लिख के रखे हैं इनको, ये सब काम यहाँ नहीं होता है, ये चीप एंड लिमिटेड वाला दुकान नहीं है। बोले थे जी, तुम बोले थे कितना लगेगा। मेरे पास सीसीटीवी रिकॉर्डिंग अभी सुना है, दूध का दूध पानी पानी तुरंत हो जाएगा। अरे हम आपको कुछ नहीं ना कह रहे हैं, जब जिसको लेना है उनको नहीं, उनको पता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक पायल दिखाने जा रही हूँ जो आपने देखी है, लेकिन वो काली पड़ गई थी और उसको मैं इस दुकान से साफ करवाई हूँ। तो कैसे साफ़ करवाई हूँ, कितना पैसा लगा और उसमें बहुत सारे घुंघरू टूट गए थे, तो घुंघरू भी लगवाए हूँ, तो सभी को मैं बारी बारी से आपको दिखाऊंगी तो मतलब कैसा था और पायल उन्होंने कैसी बना करके दी है। तो चलिए इसको पहले ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये बैग भी मुझे उन्हीं के यहाँ से रिसीव हुआ है, तो इस तरह से पन्नी में मुझे ये मिला है। तो ये देखिए, ये पायल देख करके आपको कुछ याद आया, ये वही पायल है जो मैं हमेशा पहनती थी, ये मेरी शादी की पायल है जो बहुत काली पड़ गई थी, लेकिन मैंने इसको चमकवा दिया, यानी चमकदार बना दी। तो ये देखिए, ये पायल है जो मैं साफ़ करवाई हूँ और सब में घुंघरू भी लग गए हैं, तो पहचान कर पाना मुश्किल हो गया है कि कौन सा घुंघरू नया है और कौन सा घुंघरू इसमें पुराना है। इसकी साउंड भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। चलिए यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ, और सबसे अच्छा अगर पायल देखनी है तो बैठ करके ही अच्छा व्यूज़ आएगा। और सबसे पहले तो मैं यहाँ सॉक्स खोलने वाली हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं, सॉक्स क्यों पहनती हो, गर्मी में भी क्यों पहनती हो, तो बता दूँ ये समर वाले सॉक्स हैं जो गर्मियों में पहनी जा सकती है। दूसरा, यदि आपने उंगली उठाई है कि मेरे सॉक्स पहनने पे मैं सॉक्स क्यों पहनती हूँ, हमेशा सॉक्स पहने रहती है, तो आप ज़रा अपने पैरों को ध्यान से देखिए कि क्या आपके पैर मेरे जैसे हैं, चिकने साफ सुथरे पिंक पिंक हैं, नहीं है ना, तो फिर मत बोला करिए, क्योंकि मैं अपने पैरों की देखभाल करती हूँ ताकि मेरे पैर साफ़ सुथरे रहें, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना होता है। बहुत से लोग सवाल करते हैं, इसलिए सोची शुरुआत में ही आप लोगों को बता दूँ। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे भी कुछ लोग बोलते हैं, अगर मैं रिलेटिव्स में जाती हूँ रिश्तेदारों के घर, तो वहाँ पर भी लोग मुझे बोला करते हैं। तो बस जवाब दे रही थी, ये पायल जो आप देख रहे हो इतना ज़्यादा चमक रहा है, मतलब मैंने कुर्ती जो पहनी है उसमें जो वाइट कलर है वैसा ही चमक रहा है, उससे भी ज़्यादा चमक रहा है, बिल्कुल नया उन्होंने करके दिया है मुझे। पता है ये वाली पायल मैं लेकर के गई थी वापस, मतलब बदलने दुकान में, कि मैं इसको वापस बेच दूंगी और बेच करके जो पैसे मिलेंगे और कुछ पैसे लगा करके मैं नई पायल पहनूंगी, मतलब ख़रीद लूंगी तो नई पायल ही पहनूंगी, क्योंकि मेरे पास घर में पहनने वाला अप्रैल महीने में ही पायल टूट गया है। हस्बैंड को कह कर कर थक गई कि मेरा पायल बदल दीजिए, दुकान भी गई लेकिन नहीं मेरी पायल बदली गई, बिल के चक्कर में कि अगर बिल साथ में लाया जाए उसी पायल का तो और डिस्काउंट मिल जाएगा। 2 महीने हो गए, मई और जून, लेकिन अप्रैल मई और ये जून भी जा रहा है और मेरी पायल अभी तक नहीं खरीदाई गई है। तो फिर इसीलिए मैं गई थी कि खुद की पायल जो ब्राइडल वाली है जो आप देख रहे हैं, ये पूरा तरह से, मतलब 2015 में मेरी शादी हुई है तब की मुझे मिली थी ये पायल, और इस पायल को मैं हमेशा तो नहीं पहनती हूँ, नया नया थी तो पहना करती थी, जब भी मायके जाती, जब भी ससुराल जाती तो पहना करती थी और किसी ओकेज़न में भी पहनती थी,
तीन चार दिन का अगर छठ पूजा है या फिर कोई त्यौहार है तो पहनती थी। तीज, वट सावित्री पूजा, करवा चौथ, ये सब में मैं चांदी की पायल पहनती थी। तो इतना में ही पहनते पहनते मेरी पायल क्या हो गई, काली पड़ गई थी पूरा, मतलब एकदम काला हो गया था। ऊपर से काम करने के बाद उसमें गंदा गंदा भी भर गया था, मतलब पसीने से भी कालापन होता है, एक गंदगी से भी कालापन होता है, दोनों काला हो गया था। ऊपर से घुंघरू बहुत जगह टूट गए थे। तो टूटने के बाद मुझे लगता है 2-3-4 सालों के बाद मैं अपने हस्बैंड को बोली थी कि इसका घुंघरू टूट गया है, तो आप इसको ना मतलब ससुराल के ही एक दुकान में बोली थी कि वहाँ पे जाकर के इसमें घुंघरू लगवा दीजिए। तो वो जब लेकर के गए तो घुंघरू लगवा करके तो ले आए, तो मेरी जो पायल थी ना, मतलब कलर उसका बहुत डाउन हो गया था, तो वैसा ही मतलब घुंघरू भी मतलब आया था, मतलब कोई उसमें खास चमक नहीं थी। तो मैं इसको बोली कि कितना में आपका घुंघरू लगाया है, तो उन्होंने कहा कि 250 रुपये में घुंघरू लग गया। तो मैं एकदम आश्चर्य हो गई कि 250 रुपये में इतना सारा घुंघरू लग गया, मतलब एक जगह 3 लगाना था, कहीं कहीं 2-2 लगाना था, इतना लग गया। तो हाँ लग गया, तो हमने चांदी का नहीं लगाया है ना, तो बोल रहे चांदी का क्या ज़रूरी है लगाना, घुंघरू से घुंघरू, मतलब ऐसा उन्होंने कह दिया। मुझे बहुत बुरा भी लगा, मतलब कि चांदी की पायल में वो आर्टिफिशियल घुंघरू लगा करके ले आए थे। फिर जैसे तैसे उसको पहनी, काम चलाई, बार बार वो खुल जा रहा था, घुंघरू उसके बावजूद भी बहुत सारा निकल गया था। मेरे पास पड़ी हुई थी उस पायल को, जब भी देखती यही सोचती कि आखिर ये पायल किस काम की है तो दुल्हन पायल, लेकिन ये दुल्हन पायल की तरह है नहीं उतना। मतलब मेरी शादी 2015 में हुई थी, उस वक्त सोना चांदी सब सस्ता था, उसके बावजूद मुझे उतनी भी भारी पायल नहीं मिली थी। मुझे अब जब देखती हूँ ना, मेरी देवरानी का जो पायल है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। उस वक्त उसका शादी हुआ था, मतलब दूसरा कोरोना टाइम में, ठीक है, दूसरी बार जब कोरोना आया था दूसरे साल, तब की टाइम उसका शादी हुआ था। और उस वक्त उसकी जो पायल थी काफ़ी मोटी थी, 10-11 हज़ार के समथिंग का था वो पायल। तो मुझे था ना कि वैसा आखिर मुझे क्यों नहीं चढ़ा, मतलब उसका भारी और घुंघरू बहुत ज़्यादा था। मुझे घुंघरू वाली पायल बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे उस वक्त इतना सस्ता था चांदी सोना, फिर भी मुझे ऐसी पायल मिली, तो मुझे वही गुस्सा में लग रहा था ना मैं इसको बदल दूँ, क्योंकि मैंने पायल खरीद ली है अपने खुद के यूट्यूब की कमाई से, घुंघरू वाली पायल जो आपने पाजेब देखी, मैं 2024 में वीडियो अपलोड करी थी कि मैंने यूट्यूब की कमाई से 12,500 की पायल खरीदी है घुंघरू वाली। देखिए ये पायल का जो स्क्रू है ना खुल नहीं रहा था, क्योंकि मैं इसको अभी दुकान में साफ़ करवा के आई, इसलिए नहीं खुल रहा था। तो मैं इसको बार बार कोशिश कर रही थी दांत से, लग रहा था कि मेरा दांत टूट जाएगा, लेकिन ये पायल नहीं खुलेगी। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि पता नहीं उन्होंने कैसे साफ़ किया है, इसको जाम कर दिया, मुझे फिर से दुकान जाना पड़ेगा क्या, मतलब अजीब अजीब मुझे ना मन में ख्याल आ रहे थे कि या तो दुकान वाले भैया ने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया क्या, या फिर वो टाइट करके धुले होंगे और वापस मुझे दे दिए, मैं वहाँ दुकान में चेक भी नहीं करी, फिर मुझे जाना होगा। इस तरह से दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे थे और मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि एक तो मैं इतने टाइम पे वीडियो बनाने बैठी हूँ और ये हाल हो रहा है। तो बहुत मुश्किल से एक का स्क्रू तो ठीक हो गया दांत से ही कर करके, तो एक का मैं पहन रही हूँ, दूसरे का तो हालत मेरा ख़राब हो गया, अभी आप देखिएगा। तो ये वाली पायल जब काली पड़ गई थी ना, तो मैं सोची चलो मेरी चांदी की पायल तो खरीद ही ली हूँ मैं खुद के कमाई से, तो इसको बदल करके मेरे पास जो घर में पहनने वाली पायल नहीं है इसको वापस दे दूंगी दुकानदार को और मैं दूसरा पायल ले लूँगी। तो इसको ले करके मैं गई दुकान में, एक फ्रेंड से जान पहचान हुई तो उनके साथ में, यहाँ बनारस का एक सड़क है डाफी, उधर हाईवे रोड तरफ मैं गई, वहाँ पे इनका दुकान है जो आपको मैं बैग दिखाई उनका दुकान था। तो वहाँ पे मैं बोली इसको बदलने के लिए, तो उन्होंने बोला कि इस पायल का आपको 3 या 3,500 वो दे रहे थे, 3,200 या 3,300 इस तरह से। तो मैं बोली कि इतना चौड़ा और मोटा पायल है आप 3,000 ही दे रहे हैं, और इससे जो पतली पायल है जिसमें दिल बना हुआ है और दीपक लिखा हुआ जो आप लोग देखे हैं, वो भी मैं बनारस के ही दुकान से ली हूँ। तो मैं बोली कि वो तो इससे भी पतली है, लेकिन उस पायल का वो दुकानदार 4,200 रुपये दे रहा है, आप इतना कम क्यों दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि चांदी जो है वो 60% या 70% ही वापस होती है, बाकी की नहीं दी जाती है। तो फिर मुझे बहुत दुख हुआ कि इतनी भारी भरकम पायल है और बस 60-70% ही मिलेगा, यानी 3,000 ही, तो इसमें तो मैं पतली पायल भी नहीं खरीद पाऊँगी बहुत अच्छी, मतलब बहुत पतली मिलेगी जो लगता है मुझे ज़्यादा दिन चलेगी भी नहीं। तो फिर मुझे बदलने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रही थी दुकानदार से, तो जो मेरे साथ फ्रेंड गई थी और जो दुकानदार वाले भैया थे, दोनों बोले कि आपकी पायल
में क्या कमी है, एक तो ये काली पड़ गई है, दूसरा घुंघरू निकल गया। तो आप एक काम करिए, आप अपनी इस पायल को साफ़ करा लीजिए और दूसरा जहाँ जहाँ घुंघरू निकल गया है वहाँ पे घुंघरू लगवा लीजिए, आपका पायल एकदम नया हो जाएगा। शुरू में तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, मतलब क्या कह रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर से समझाया कि अब ख़रीदने जाओगी पायल तो क्या तुमको इतना पैसा में 3,000 में ऐसी पायल मिलेगी, नहीं मिलेगी। किसी कीमत पे तुमको 3,000 जो वापस ये दुकानदार दे रहे हैं, अगर तुम बेचोगी तो 3,000 मिल रहा है, क्या 3,000 में तुम ऐसी पायल ले पाओगी। तो मैं बोली नहीं नहीं ले तो नहीं पाऊँगी, हाँ तो बस तुमको साफ़ करवा लो और घुंघरू लगवा लो और उसके बाद तुम्हारा पायल अच्छा हो जाएगा। तो फिर बोले कि ठीक है, कितना का खर्चा आएगा। तो उन्होंने बोला कि जितना घुंघरू है घुंघरू काउंट करना होगा कि कहाँ कहाँ घुंघरू निकला हुआ। तो लगभग मुझे लगता है 9-10 जगह घुंघरू नहीं था और हर जगह दो दो घुंघरू लगाने थे। और जहाँ लॉकिंग सिस्टम होता है, जहाँ पे अभी मैं दाग से बार बार कोशिश कर रही हूँ, वहाँ पे 3 घुंघरू का गुच्छा था। तो सब सारा काउंट करी थी, शायद कितना घुंघरू था मुझे याद भी नहीं है, लेकिन बहुत सारा घुंघरू उनको लगाना था। और साफ़ करने का चार्ज जो था ना, वो पड़ रहा था चांदी, मतलब जो पायल है ना उसके बाहर के ऊपर। तो मैं उनको दे दी, तो उन्होंने बाहर किया और घुंघरू का बोले कि एक घुंघरू इतना का मिल रहा है, तो उस हिसाब से जितना घुंघरू रहेगा उतना पैसा। तो टोटल मिला के 650 रुपये मेरा आया था, और 650 रुपये मैंने लिख लिया कहीं कि चलो इनको मुझे 650 देने हैं, मतलब ये काम करने के, मतलब घुंघरू लगाने के और साफ़ करने के। लगभग मैं उनके दुकान में 10 दिन बाद गई, इधर बीच एक हफ्ते के बीच में ही मैं उनको कॉल करी कि क्या मेरी पायल बन गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं बनी है, और ये जो चांदी की पायल होती है ना, एक साथ एक मशीन में साफ़ होती है। तो अकेले मतलब आप ही का पायल एक नहीं साफ़ होगा, और 3-4 लोगों का या फिर कुछ और पायल मिल जाते हैं तो एक साथ साफ होता है। तो बस उसी का इंतज़ार हो रहा है। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम से करिए, जब कर लेंगे तब मुझे बुलाइएगा। तो वही 10-12 दिन पे मैं उनके दुकान पे गई थी, और जब गई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मतलब मेरी जो पायल है वो काली पड़ चुकी थी और इतना ज़्यादा चमक रहा था, इतना सुंदर लग रहा था, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरी ही पायल है जो इतनी ख़राब थी। और इसको देख देख के मुझे इतना गुस्सा आता था, हाँ मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और अभी भी गुस्सा बहुत आ रहा है, और गर्मी से तो और गुस्सा आ रहा है मुझे कि ये पायल का स्क्रू क्यों नहीं खुल रहा है। तो देखिए बार बार मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ, चलिए वीडियो की तरफ, कि बार बार मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये खुल नहीं रही है। सोच रही थी जैसे ये पहली वाली पायल का स्क्रू खुल गया, शायद ये भी खुल जाए, ये भी खुल जाए, लेकिन मेरा दांत दर्द होने लगा लेकिन ये खुल नहीं रहा था। अब मैं सोची चलो इसको ऐसे नहीं करना पड़ेगा, अब मुझे इसके लिए ना स्क्रू लाना पड़ेगा। तो फिर मैं जा रही हूँ अपना स्टोर रूम में, इधर मेरा स्टोर रूम है और पूजा रूम दोनों है, यानी एक तरफ कबाड़ा सबाड़ा जो भी रहता है एक्स्ट्रा चीज़ें, और एक तरफ पूजा वाला मतलब पूजा करने का स्थान बना ली हूँ। तो वहाँ पे गई, यहाँ पे ये मिला मुझे, और सोची चलो इसी से मैं खोलती हूँ। मुझे याद आया कि इसको घुमाने वाला कुछ तो होगा, आखिर मैं कैसे खोलूँ। और कई बार मैं बिछिया टाइट करना होता था तो इसी से बिछिया भी टाइट की हूँ। आप लोग वीडियो भी देखे होंगे, बिछिया जैसे टाइट नहीं होती है, क्योंकि बहुत हार्ड चांदी होता है। देखिए इससे जब मैं इसको खोलना चाहिए ना तो आराम से बहुत जल्दी खुल गया। तो इसको और भी मैं खोल ली ताकि मैं हाथ से आराम से खोल लूँ। तो यहीं पास में ही रखूँगी और चेक करूँगी कि ये क्या ये अच्छे से पूरा खुला या नहीं खुला है, नहीं तो मैं फिर रख दूँगी और फिर मुझे करना पड़ेगा इसको लाके ठीक। तो यहाँ खोलने का कोशिश कर रही हूँ और ये खुल भी रहा है। मतलब जब मैं इसको खोलने का और पहनने का कोशिश कर रही थी, अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। जैसे कि अभी मैं इसका स्क्रू खोल ली ना, अब इसको मैं पैर में पहनने वाली हूँ, ठीक है। तो जब पैर में पहनने के बाद दोनों पायल को एकदम सीध में रख के और स्क्रू घुसाया जाता है, तो जिधर दो पाइप थे और जिधर एक पाइप है, तो एक पाइप को दोनों पाइप के बीच में लाया जाता है सीधा में, ताकि स्क्रू ऊपर से नीचे तक लॉक हो जाए दोनों पायल को जोड़ते हुए। तो जिधर एक पाइप था ना, उधर वाला ना घुसा रही थी तो घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि अच्छे से स्क्रू को ऊपर ही नहीं करी थी जब मैं पहली पैर में पायल पहन रही थी। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं वो चांदी तो बदल नहीं दिए, कहीं वो मेरा डिज़ाइन तो नहीं ख़राब कर दिए इसलिए, या फिर मशीन में ज़्यादा तो नहीं घूम गया जिसकी वजह से ये टाइट हो गया। मतलब काम अगर आपका सही से ना हो ना तो बहुत सारे ख्याल मन में बुरे बुरे आने लगते हैं। और मुझे किसी ने कहा था कि तुमने अपनी चांदी की पायल धुलाई है, तो क्या तुमने चांदी की पायल जब दुकानदार के पास लेके गई थी तो वहाँ पे तुमने भार देखा था कि चांदी का भार
कितना है और धुलने के बाद कितना भार है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि चांदी जो है लोग लेते हैं साफ़ करने या कुछ करने, तो उसका चांदी झाड़ के रख लेते हैं, या फिर सोना देने जाते हैं लोग कुछ कराने तो सोना भी झाड़ के रख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो हाँ, लेकिन मैं पहली बार खुद से गई थी दुकान और पहली बार पायल का काम कराई हूँ, तो खैर मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो बाकी जितना भी अकल था मुझे मैं उतना करवा ली। अब आप सोच ही रहे होंगे कि मैं कितनी नासमझ हूँ। वैसे मुझे कह भी रही थी जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई थी कि अरे यार तुम एकदम बुड़बक हो, पागल हो तुम, पायल तुम बदल रही हो, बेच रही हो तुम, तुम्हारा क्या हुआ है पायल को, सारा पायल तो अच्छा है तुम्हारा। अभी आपने शुरू शुरू वीडियो में सुना ना, वो कह रही थी मैं पायल देने गई थी एक फ्रेंड के साथ, और जब मैं पायल वापस लेने गई तो फ्रेंड की भी फ्रेंड गई थी ऐसे घूमने टहलने, उनके घर से वो जगह पास थी, लेकिन मेरे घर से उनका दुकान काफ़ी दूर था। तो वो कह रही थी कि पता है ये पायल ना बेचने आई थी, हम इसको बोले कि मत बदलो, इसको साफ़ करा लो, घुंघरू लगा लो, नहीं तो ये पगली बदल देती। तो हो सकता है, मतलब मेरे पास दिमाग कम है शायद मैं क्या कर रही थी। लेकिन देखिए जो खुशी मुझे आज मिल रही है ना इस पायल को देख करके, मतलब बता नहीं सकती, मुझे इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा था। अभी आप इसकी साउंड सुन रहे हैं ना, कितनी ज़्यादा प्यारी साउंड है, मैं अभी ज़्यादा बोलूँगी नहीं, नहीं तो आप लोगों को सुनने में शायद दिक्कत होगा मेरी पायल की आवाज़। तो इस पायल को पहन करके जब मैं चल रही थी तो मुझे क्या फीलिंग्स आया, एक नई बात आपको बताती हूँ। जब मैं इसको पहन के चल रही थी तो चलने वक्त मैंने महसूस किया कि अगर पायल आपका गंदा है, मिट्टी धूल मिट्टी भर गया है, तो पायल की जो साउंड है, जो मधुर साउंड है, मधुर आवाज़, वो कम हो जाती है। और जब आप पायल को साफ़ करा लेते हो, देखिए घर में भी पायल साफ़ की जाती है लेकिन उसकी चमक अलग होती है, बहुत 50% साफ़ होता है, लेकिन जो मैं अभी साफ़ करवाई हूँ ना, ये 150% साफ़ हुआ है, मतलब साफ़ से भी बहुत साफ़ हो गया है, इतना एकदम न्यू बन गया है। आप समझ सकते हो ना, एकदम न्यू पायल होती है ना वैसी दिख रही है। आप देखिए इसकी चमक देखिए, मेरे पैर में जो बिछिया है 1-1.5 महीने पहले मैं नया खरीदी हूँ, ये पहनते पहनते मतलब इसका कलर डाउन हो गया, लेकिन इस पायल को जब मैं पहनी और बिछिया देख रही थी तो देखा मैंने कि पायल काफ़ी ज़्यादा चमक रही है लेकिन बिछिया का कलर डाउन हो गया है। और इस पायल को पहन करके अगर मैं कुछ काम कर दी, धूल थोड़ा सा भी चला गया तो फिर ये पुराना हो जाएगा, तो इसके लिए मुझे इसको थोड़ा कम पहनना पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए ही। वैसे भी मैं ऐसी पायल पहन करके कहीं आती जाती नहीं हूँ, घर में भी नहीं पहनती हूँ, तो ये मेरी शादी की पायल है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि ये मतलब मैं ज़्यादा पहनूँ, ख़राब करूँ फिर से, तो मैं इसको बड़ी संभाल के रखी। और पता है एक बात, इस तरह से जो झालर लगे होते हैं ना चैन, वो वाली पायल बहुत जल्दी टूट जाती है, लेकिन ये मैं देखी कि मेरी शादी 2015 में हुई है, आज 2024 है और इसकी एक भी चैन टूटी नहीं है, तो ये भी प्लस पॉइंट था दुकानदार का कहना और फ्रेंड का कि बताओ तुम्हारी इतनी अच्छी पायल है कि एक भी चैन नहीं टूटा है, फिर क्यों बदलवा रही हो, बस घुंघरू और पुरानी हो गई है, बस इसी बात का इशू है, उसको ठीक करा लो। बस मैं ठीक करा ली और इतनी ज़्यादा खुश हूँ मैं इस बात से कि मेरी पायल इतनी नई हो गई, मतलब इतना अच्छा उस दुकानदार वाले भैया ने इतना अच्छा साफ़ किया है, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं इसको बेचने जा रही थी, बेचने से बच गई, नहीं तो दुकानदार को क्या है, वो तो पायल ले ही लेता है और इसको साफ़ करा के घुंघरू लगा के भी अगर बेच देगा तो समझिए कि जो 650 मैं उनको दे करके आई है, मेरे से 3000 में वो मुझे बेच देते, इसके बाद इसको वो 8000 में भी बेच सकते हैं, 650 का इसमें काम करके वो 10000 में भी बेच सकते थे किसी को, 8000 में भी, तो क्या था उनको तो फ़ायदा ही था। लेकिन वो मुझे बड़ी अच्छी बात बताए और मुझे बहुत अच्छा लगा वो दुकानदार की बात की, बहुत अच्छा लगा कि मुझे एक गलत काम करने से उन्होंने रोक लिया, नहीं तो समझिए मेरी ये दुल्हन वाली पायल अगर चली गई होती तो आज मुझे बहुत बुरा फील होता है कि मैंने अपनी पायल इस तरह से कर दी।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी है और मुझे लगता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर को लंबी लंबी वीडियो भी पसंद है। आप लोग बोलते हैं कि मैम आप लोग आप जो वीडियो में अपना नाम लिखती हैं लव गुरु परानी, तो वो आप टैग हटा दीजिए। तो देखिए मैं इसलिए टैग नहीं हटा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, मैं आजकल देख रही हूँ कि मेरी वीडियो जो है चुरा करके अपने चैनल पे या फिर अपने किसी भी वीडियो में वो एडिट करके लगा दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे अपने वीडियो में ये नाम लगाना पड़ जा रहा है। और जो ऐसा कर रहे हैं ना वो तो गलत है ही, कभी ना कभी उनको कॉपीराइट तो लग ही जाएगा। तो बस इसलिए मैं ये वाला काम करी हूँ। और अब के बाद से आप जितनी भी मेरी वीडियो देखेंगे सब में मेरा नाम रहेगा, लव गुरु परानी मेरे चैनल का नाम, ताकि कोई भी मेरी वीडियो चुरा ना सके और ना ले सके। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ और हर कोई बड़े मेहनत से वीडियो बनाता है, किसी की वीडियो नहीं चोरी करनी चाहिए। तो बस यही कहना चाहूँगी, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे वीडियो बनाने के बाद मैं देखिए बहुत थक गई हूँ और मुझसे पायल खोला नहीं जा रहा था, तो ये काम मैंने अपने बेटे को दे दिया कि इसको साफ़ कर, इसको खोल दो। तो आपने कई सारी पहले भी वीडियो देखी होगी, 4 साल पहले शायद मेरा बेटा मेरे पैर का पायल खोला था और पहनाया था, पहनाना और खोलने वाला, जिस वीडियो में लाख मतलब 1 लाख से भी ज़्यादा व्यूज़ आए थे और अभी लगता है मुझे कि उसमें 5 लाख व्यूज़ भी चले गए हैं। तो इस तरह से मैंने 2 वीडियो बनाई थी, आपने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। अब क्या था उसमें मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा बेटा उस वक्त भी खोल लेता था पायल जब वो 2.5-3 साल का था, और आज भी वो खोल लेता है और पहना देता है। तो मैं बोली चलो मेरी पायल खोल के रख दो, तो उसने खोल दिया और मुझे अच्छा लगा, चलो उसने खोल दिया। वो बोल भी रहा था कि वाह मम्मी बहुत अच्छी पायल है। एक दिन और मैं इसके साथ एक वीडियो बनाई हूँ कपड़े धुलने की, टाइड सर्फ से 3 बेडशीट को मैं पैरों से कुचल कुचल कर साफ़ कर रही हूँ, तो इसी पायल के साथ एक रिक्वेस्ट आया था तो मैं यहाँ पर वीडियो बनाई हूँ, जिसका छोटा सा क्लिप तो मैंने नहीं लगाई हूँ। लेकिन वीडियो बनाने के बाद फिर से मैं थक गई, तो मैं बोली चलो मेरा बेटा इसको खोल दो, बस उसने खोल दिया।